गुड मॉर्निंग ही मुंह से निकलता है जग जी। गुड हाँ जी, आफ्टरनून, क्योंकि ये मॉर्निंग का ये पहला प्रोग्राम है आज का, तो मुंह से गुड मॉर्निंग, आई एम सॉरी। गुड आफ्टरनून टू यू एंड गुड आफ्टरनून ऑल द ऑडियंस। वी आर हेयर, हेल्थ इज वेल्थ। अब आप बोलोगे आज संडे को आ गए, तो कभी कभी अगर मंडे को हमारी डॉक्टर साहब बिजी हैं या मैं बिजी हूँ, तो हम संडे को भी आ सकते हैं एक दिन पहले, पर हम मिस कभी नहीं करेंगे। डोंट वरी, वी विल बी ऑलवेज हेयर टू गिव यू गुड टिप्स ऑन योर हेल्थ, बिकॉज आवर हेल्थ इज अवर वेल्थ, राइट जग जी? Yes, that is the most important. Sunday or Monday or Tuesday or 7 days, the doctor is always on call. Wow. And I And this also is want to tell you something about Dr. Jagmohan Kalra ji, because some people are joining first time. So Dr. Jagmohan Kalra ji is a doctor from last 35 years. She's oncologist, hematologist, and also cancer specialist of breast cancer and lots of other cancer. And a very, 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 very good doctor. She has lots of respect in community, and she loves music also. And we are so happy she's here with the topic common abdominal pain, which is a very common. मेरे भी कई बार पेट में दर्द हो जाती है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती, आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराती हूँ डॉक्टर जग कालरा जी। डॉक्टर जग कालरा जी आइए। हेलो नमस्ते, गुड आफ्टरनून ज्योति जी, क्या कहने। देखिए आप भी मेरे साथ 20, आप तो वैसे भी 7 days कॉल पे रहती हैं, तो ये भी कॉल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्थ इज वेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दीज डेज, क्योंकि इसी से हम अपने आप को हेल्थी रखेंगे, खुश रखेंगे, दूसरों को भी खुश करेंगे। तो चलिए आज हमने क्या टॉपिक चुना जो कि अप्रोप्रिएट फॉर द वीकेंड, स्पेशली आफ्टर सैटरडे, कॉमन एब्डोमिनल पेन। सैटरडे के बाद क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए सैटरडे को हम पार्टीज में जाते हैं, जाते हैं ना ज्योति जी, हम क्या खाते हैं? हैवी इंडियन खाना खाते हैं। पहले हम एपिटाइजर खा लेते हैं, उसके बाद में हमारा दिल तो दिल नहीं भरता, पेट भर जाता है लेकिन दिल नहीं भरता, बिकॉज खाना हमको बहुत अच्छा लगता है। वी इंडियन आर रियली स्टक टू द गुड फूड। गुड उसके फूड, पहले राइट? हम कभी कभी ड्रिंक भी करते हैं। So that's why I thought, you know, on Sunday especially we talk about the abdominal pain जो कि सैटरडे के बाद आती है। वो क्या पेन होती है? तो एब्डोमेन इज अ पार्ट ऑफ आवर बेली, इट्स अदर नेम इज अ बेली, इट हैज एक्चुअली 6 parts। तो पेन जो होती है अलग अलग पार्ट्स में हो सकती है। अपर बेली को बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड, फिर मिडिल बेली होती है राइट एंड लेफ्ट साइड, फिर लोअर बेली होती है राइट एंड लेफ्ट साइड, और सेंटर भी होता है तो सेवंथ भी इंक्लूड कर लेते हैं, पर जो सेवंथ जो अम्बिलिकल एरिया होता है ना वो कॉमन होता है सबका। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारे को एकदम से पेन होती है, सैटरडे को हम खूब अच्छा खाना खा के आए हैं, ड्रिंक करके आए हैं, ब्लोटिंग हो जाती है और जैसे खाना यहाँ तक आ रहा है और समझ नहीं आता क्या करें, दैट इज कॉल्ड डिसपेप्सिया। मीन्स जो खाना है वो हमारे को अभी पचा नहीं है और यहाँ से पेट से लेके मुंह तक आ रहा है, बिकॉज वी ओवर एट, इट्स कॉल्ड ओवर ईटिंग। तो इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं, वी ऑल नो इट, डोंट वी ऑल नो इट, कि एक तो यस, ड्रिंक अगर आप करें तो बिल्कुल खाली पेट मत करें, बिकॉज देन द ड्रिंक मेक्स एसिड इन योर स्टमक, दैट एसिड गो स्टेज देयर एंड इट डजंट गो अवे, एंड देन यू एड फ्राइड फूड टू दैट, स्पेशल आलू की टिक्की, छोले, चटनी, मैं देखो कितना अच्छा खाने की बात कर रही हूँ। तो वो खाना जो है ना, तो एक पहले हमने बताया था कि इसोफेगस होता है फूड पाइप, फूड पाइप द फूड ओनली लास्ट फॉर 40 मिनट्स, लेकिन जो स्टमक है उसके अंदर खाना हमारा 4 घंटे रहता है, 3 से 4 घंटे, कल उसके अंदर जूसेस आते हैं, वो खाने को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर वो खाना एब्जॉर्ब होता है। तो वो 3 4 घंटे आपको जो बेचैनी होगी ना, डिस्पेप्सिया, इट्स नॉट गुड, एवरीबडी नोज दैट। तो उसी के इसी वक्त में आपको बता देती हूँ उसके लिए क्या करना है, क्योंकि अगर वो बाद में जाए तो हम भूल ना जाए। तो जो डिस्पेप्सिया मीन्स एसिड प्रोडक्शन है, उसको कम करने के लिए देखिए कई लोग आते ही अजवाइन खाते हैं, यू नो अजवाइन दे कॉल कैरम सीड्स, अजवाइन ऐसे ऐसे करके खा लेते हैं, दैट्स नमक ए होम, डाल के, थोड़ा नमक डाल के। हाँ दैट्स ए होम ट्रीटमेंट एंड इट वर्क्स फॉर मेनी पीपल। Some people will take ginger ale. Ginger ale is very good too. और जिंजर टी भी अच्छी है, थोड़ा सा लेमन डाल के, वो उसी वक्त कई बार असर करती है। तो ये हमारे हर्बल ट्रीटमेंट है, सिनेमन भी कर सकते हैं,
मिंट टी भी पी सकते हैं, कार्डमम भी खा सकते हैं, ये सारी बातें हमको मालूम है, लेकिन उस वक्त समझ नहीं आता क्या करें जब बेचैनी हो रही होती है, तो ये करके हाजमोला भी खा लेते हैं जगजी लोग। ओह हाजमोला, दैट्स राइट, मैंने देखा है हाजमोला। यस यस, बट बी केयरफुल, इट्स वेरी सॉल्टी, तो वो हाजमोला। तो ये तो हो गई हमारी हर्बल ट्रीटमेंट। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट। ओवर द काउंटर आजकल जेंटेक मिल जाती है, आपको पता है, प्रालसक मिल जाती है, मायलेंटा मिलता है, मेलॉक्स मिलता है, अल्कासेल्सर मिलती है, टम्स मिलती हैं, ये सब जो है वो छोटी छोटी मेडिकल ट्रीटमेंट है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम 75% ये काम कर जाते हैं, 25% ये काम नहीं कर सकते। इनको लेने के अलावा क्या करना है, आपको लेटना बिल्कुल नहीं। हमारा दिल करता ना अच्छा खाना खा के लेट जाए आराम से, यू डोंट हैव टू लाई डाउन बिकॉज द फूड विल कम आउट लाइक दिस एंड कॉज हार्ट बर्न, तो आपके चेस्ट में भी पेन हो सकती है। तो इसके लिए हमको या हल्के हल्के चलते रहे आप, या आप सीधा होकर कुर्सी पे बैठ के आप उस दिन मूवी जरूर देख लीजिए रात को, चाहे 2 बजे हो चाहे 3 बजे हो, आप अपनी मूवी देखिए, क्योंकि आप सीधे होके बैठेंगे तब तक खाना नीचे चले जाएगा। ज्योति जी को हंसी आ रही है। देखो जग जी, मूवी तो सिर्फ 2 घंटे की होती है, फिर बाकी 2 घंटे क्या करें, दूसरी मूवी देख लीजिए और फिर आपके जो है उनके साथ बैठ के बातें करते रहिए, ताश भी खेल सकते हैं। गुड आइडिया, वेरी गुड। द होल आइडिया इज नॉट, आपने ये नहीं बोला गाना भी गा सकते हो। गाना गाते हुए ना आप गा नहीं सकेंगे, आप ही नहीं हमको बताया था कि भरे पेट से गाना नहीं गाना चाहिए, क्योंकि वो फिर आवाज भी ठीक से नहीं निकलेगी और यू नो क्या जरूरत है। मैंने तो ये नोट किया है कि गाना भी हम गाते हैं, भजन भी गाते हैं, खड़े होके गाओ, बैठ के नहीं, बैठ के गाओगे तो नॉट गुड। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उससे उससे डायफ्राम एक्ट हो जाता है। तो ये थी हमारी बिल्कुल मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड ड्रिंकिंग, यू नो फास्टिंग स्टमक, क्योंकि हम लोग कहते हैं हम पार्टी में जा रहे हैं कुछ नहीं खा के जाएंगे, वहां पे खूब इंजॉय करेंगे। सो ये तो हो गया, लेकिन लेकिन अगर आपकी जो पेन है, वी हैव टू डिवाइड द पेन इनटू एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट जो है कि वो है आज ही हुई है और 6-7 घंटे में खत्म हो जाएगी या सुबह तक। क्रॉनिक होती है, आपको पेन हमेशा से होती आ रही है, लेकिन उस दिन ये एक्सेजरेट हो गई या ज्यादा हो गई। सो दैट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मालूम है कि आपको प्रॉब्लम है एसिडिटी की पहले से, तो उसके लिए आपको उसको बोलते हैं क्रॉनिक पेन की थोड़े दिन में फिर आ जाती है, फिर आ जाती है, या जब भी आप पार्टी से आते तो उसके लिए आप पहले प्रिपेयर होकर जाइए इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द पेन टू कम। सो टेक प्रालसेक और मेप्रोजोल, जो भी आपके डायग्नोसिस से आपको प्रिस्क्राइब करी हुई है, 20 मिनट्स बिफोर द मील, 20 मिनट्स बिफोर, इट टेक्स 20 मिनट्स टू वर्क, ना कि पार्टी पे जाके मुझे ख्याल आया मैं तो अपनी गोली भूल गई, तो वो 20 मिनट्स पहले ले लेंगे तो आप एसिड से बच जाएंगे। तो ये अब फिर उसके बाद में इस पेन के लिए और क्या करना है, अगर ये पेन आपको 3 या 4 बारी ऐसे डिस्पेप्सिया या ब्लोटिंग हुई, यू हैव टू गो टू अ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कि वो आपको एंडोस्कोपिक करके देखेंगे कि आपके स्टमक की लाइनिंग ठीक है, आपके स्टमक की लाइनिंग को प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार ये बार बार एपिसोड होने से फूड पाइप और स्टमक की दोनों का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं जीई जंक्शन, वहां पे क्रॉनिक इरिटेशन हो जाती है एंड दैट वी नीड टू लुक इनटू। और कई बारी बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं स्टमक में, वो भी उनको देखने का मौका मिलता है अगर बायोप्सी करनी पड़े तो, वो इससे आप फ्यूचर के लिए अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर कई बारी ऐसे होता है ये पेन इतनी तेज होती है दैट मे नॉट बी द स्टमक पेन, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये हमारे पेट से ही आ रही है, कहीं और से भी आ सकती है। स्पेशली इफ द पेन आई एकदम से जोर से चली गई, आई फिर चली गई, एंड इट इज गोइंग टू योर आर्म और इट इज कॉजिंग चेस्ट हैवीनेस, इट कुड बी अ हार्ट अटैक, एंड द हार्ट अटैक कैन कम आफ्टर हैवी मील्स समटाइम्स, एंग्जाइटी, स्ट्रेस। सो वो जो है ना उसके लिए आपको देखना कि ये जो पेन है ये कॉमन नहीं है, दिस इज रेयर and it is something that is affecting your rest of the body, so you cannot wait. So ye pain jo hai usko usi waqt address karna hai, urgent care jao, hospital jao, you will note that it's a different kind of pain, ye aapko pehle kabhi nahi hui. aur dusri agar jo pain aa rahi hai, hai to pet mein lekin uske sath aapko ulti aa rahi hai bar bar, aur agar ulti mein khoon aa gaya
क्योंकि इतनी इरिटेशन स्टमक में हो गई, इवन अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इज टू बी गोइंग टेकिंग केयर ऑफ राइट अवे. वॉमिटिंग से इतना डरना नहीं है, क्योंकि वॉमिटिंग और डायरिया आर ए पार्ट ऑफ अनदर स्टमक प्रॉब्लम इज वी कॉल स्टमक फ्लू और फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग, कभी कभी हम ऐसा खाना खा लेते हैं जो कि स्पेशली सैलड्स ड्यूरिंग द समर, मे बी सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन इफ इट्स फ्रॉम अ गुड रेस्टोरेंट, इट कैन कॉज अपसेट ऑफ योर स्टमक एंड इंटेस्टिन. वो तो उससे वॉमिटिंग, पेन और डायरिया. सो इसका, इसमें इतने घबराने की बात नहीं है, बिकॉज इट विल लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम. उसके लिए आपको फास्ट करना है, लेकिन पानी जरूर पीना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, स्पेशली विद द डायरिया. यू कैन टेक गेटरेट और बस रेस्ट देना स्टमक को. रेस्टिंग द स्टमक, हाइड्रेशन एंड नॉट ईटिंग एनीथिंग, ये आप जिंजर एल वगैरह पी सकते हैं, क्योंकि उससे स्टमक अपसेट सेटल हो जाता है. तो लेकिन अगर एनी टाइम यू सी ब्लड इन योर स्टूल, इट्स नॉट कॉमन फॉर फूड पॉइजनिंग, सो उसका भी क्विकली करना है, क्योंकि दैट कुड बी मोर देन जस्ट इरिटेशन ऑफ स्टमक, इट कुड बी ब्लीडिंग इन द स्टमक. पीपल डू हैव यू नो ब्लड दैट कम्स फ्रॉम द एसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टिन. सो ये जब भी आप ब्लड देखेंगे ना, यू कैन नॉट सिट एट होम, सो उसके लिए केयर करना. और एक बार होता है फूड एलर्जी. फूड एलर्जी जो कई बार हमको पता नहीं लगता, हमने कभी भी सी फूड नहीं खाया, तो लेकिन उस दिन चलो अरे बड़े अच्छे श्रिम्प है, दे लुक सो डिलीशियस, यू नो कई रेस्टोरेंट, इटालियन रेस्टोरेंट, ऑल यू गेट श्रिम्प, तो खाया जाता है गलती से. बट यू कुड बी एलर्जिक टू नॉट श्रिम्प, आयोडाइन. आयोडाइन होती है ना श्रिम्प में, तो वो भी आपको ख्याल रखना है कि आपके एलर्जी के सिम्टम्स कभी तो एकदम से आ जाएंगे. जैसे आपको इचिंग शुरू हो गई, स्टार्ट बिहाइंड द ईयर, ईयर फिर फेस, फिर और थोड़ी देर के बाद में रैश निकल आई, सो दैट इज एन एलर्जी सिम्टम. तो जो तो थोड़ी देर में आएगी, वो एलर्जी इतनी डेंजरस नहीं होती. लेकिन अगर आपको रियली एलर्जी है, सम पीपल आर एलर्जिक टू पीनट, इवन अगर पीनट को ऊपर में भी डाला हो, यूजली चिल्ड्रन, तो उससे भी एलर्जी हो जाती है, वो एकदम से आती है. उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसकी हमने बात करी थी, उसमें चोकिंग ऑफ द थ्रोट एंड कैन नॉट ब्रीथ सिम्टम, राइट अवे यू हैव टू टेक केयर. एंड समटाइम्स द फूड गेट स्टक इन द थ्रोट, तो जो फूड स्टक हो जाता है, वो पेन यहाँ होती है, यहाँ आपको क्या करना है, आपको अगर आप किसी को देखते हैं उसको कि खांसी आ रही है और उससे ब्रीथ नहीं लिया जा रहा, सो दैट इज फूड स्टक. बार बार करेंगे तो पेट में दर्द भी हो सकती है. तो उसके लिए जो प्रोसीजर, उसको हेमलिक मैनूवर बोलते हैं, वो हम सबको आना चाहिए. कि रिमेंबर बच्चे की पीठ पीठ थपाते हैं, थपा थप 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 करके, उसके बाद में पहले पूछो आर यू ओके, आर यू ओके. इफ द पर्सन सेज नो, देन यू हैव टू होल्ड देम बैक लाइक दिस एंड देन ऐसे करना जोर से, तो निकल जाए यार, निकल जाए. इसको हेमलिक मैनूवर. तो ये सारी बातें ऊपर से लेके पेट तक जा सकती हैं. उसके बाद अभी तो मैंने खाली सिर्फ पेट की बात करी है, और उसके बाद इतनी, जब भी आप ज्योति जी बोले, ये तो इतना लंबा टॉपिक है, मुझे तो आपको मालूम है ये कॉमन बातें बहुत अच्छी लगती हैं. बिल्कुल जी, बताइए, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं. यस, तो इसके बाद में और भी जो खाने के बाद, अभी मैं खाने के बाद की बात कर रही हूँ, उसके बाद तो बड़ी तरह की एब्डोमिनल पेन होती, जो हैवी खाना, फैटी फूड खाने से जो पेट में राइट साइड में होगी, आपका राइट साइड ऊपर वाला एब्डोमेन, वहां पे होता है गॉल ब्लैडर, विच इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन फीमेल. हमको जब पढ़ाया गया था तो बोलते थे फीमेल 40 फेयर, चार एफ थे, चौथा रह गया फीमेल फेयर 40 फर्टाइल. फर्टाइल मींस यू नो यू आर सिल्क एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ये फोर्थ है. अगर कोई भी लेडी हमारे इमरजेंसी रूम में आ जाए ना, ये चारों हो उसको ऊपर में पेट, गॉल ब्लैडर डिजीज. तो गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम कुड बी आल्सो एक्यूट एंड क्रॉनिक. एक्यूट मीन एकदम से गॉल ब्लैडर अपसेट हो जाए, क्रॉनिक मीन काफी महीनों से भी हो रहा है, दिनों से भी हो रहा है, लेकिन आपने अटेंशन नहीं, आता है जाता है, मैंने खा लिया आज यू नो हैवी फ्राइड फूड, आ गई पेन, चली गई, तो आप परवाह नहीं करते. लेकिन अगर जो भी ऐसे आपको 2-3 महीने से हो रहा है, तो इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये जो क्रॉनिक जो होती है, कई बार वो एकदम से एक्यूट हो जाएगी वही पेन,
तो उस वक्त आपको ईआर जाना पड़ेगा, तो उसका क्या फायदा, इससे बेटर कि आप पहले ही पता कर लो कि मुझे गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम है, गॉल स्टोन प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में हमने ज्योति जी हमने बात करी थी, नेक्स्ट वीक हमने गेस्ट को बुलाया है जो कि हमको बताएंगी कि गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम या कैसे सर्जिकली जो छोटी ये छोटे गॉल ब्लैडर को छोटी प्रॉब्लम बोलते हैं आजकल, क्योंकि पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बस डायग्नोस ही करना उसको। तो ये तो हो गया राइट अपर क्वाड्रेंट का पेन, कॉमन अनकॉमन है, हेपेटाइटिस हो सकता है आपको, लीवर में पेन हो सकती है, तो वो अनकॉमन है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब हम जाते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में हमने स्टमक की बात करी, उसके बीच दोनों के बीच में एक ग्लैंड होती है पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर इस तरफ, स्टमक इस तरफ, बीच में है ग्लैंड कॉल्ड पैंक्रियाटाइटिस। उसको जो प्रॉब्लम है वो भी रोज हो सकती है, हो रही है आपको, वेट लूज हो रहा है, बड़े खुश है आप, अरे चलिए मेरा वेट लूज हो रहा है, थोड़ी सी दर्द है, कोई बात नहीं। जो पैंक्रियास की पेन होती है ना, वो सेंटर में होती है और पीछे में जाती है स्पाइन में, दैट इज टिपिकल ऑफ पैंक्रियास, बिकॉज पैंक्रियास सिटिंग राइट ऑन योर स्पाइन, सो आ रही है भूख कम लग रही है, अरे को बहुत अच्छी बात है मेरा वेट लूज हो रहा है, लेकिन नहीं, इट कुड बी ए प्रॉब्लम। तो वो ही जो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में ना डायरिया होता है उसका वो सिम्टम है, और डायरिया जो होता है ना कि पैंक्रियाज अगर ठीक नहीं काम करता तो फैट को बिल्कुल अब्सॉर्ब नहीं करता। तो जो अगर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, दैट विल बी ए वेरी सिवियर सडन पेन विद नॉजिया वॉमिटिंग एंड ब्लड कुड बी देयर बिकॉज इट इरिटेट्स द स्टमक सो बैडली। तो उसके साथ तो अगेन If that is the thing that severe pain आई और जा नहीं रही, आप heat pad भी लगा रहे हैं, उठ के चल भी रहे हैं, again that's a cause to be concerned to go to the hospital. That's called acute pancreatitis. तो अब हम थोड़ा सा नीचे में जाते हैं कि हमारी right lower अब middle में आती है kidneys. तो kidney की infection और urinary tract infection तो separate topic होगा, because it's a very important common problem. उसके नीचे में हमारा जो राइट साइड में अपेंडिक्स होता है, राइट साइड में नीचे में अपेंडिक्स, दैट्स ए कॉमन थिंग, और उसके साथ ओवरीज भी होती हैं। ओवरीज और अपेंडिक्स समटाइम्स गेट वेरी कंफ्यूज इन अ यंग फीमेल इफ दे हैव पीरियड्स, इन बिटवीन द पीरियड्स दे कैन हैव क्रैम्प्स, एंडोमेट्रियोसिस एक प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर यूट्रस की लाइनिंग इरिटेट हो जाती है, दैट कैन कॉज सीवियर पेन इन द ओवरीज। समटाइम्स ओवरीज और जो अपेंडिक्स की ना प्रॉब्लम कंफ्यूज हो जाती है, सो ओवरीज दोनों साइड में होती है, पर कभी पेन इस साइड में होगी कभी उस साइड। और एक यंग फीमेल में है वो होती है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, मींस द प्रेगनेंसी इज इन द ओवरी, वो भी पेन कर सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी अ सीवियर पेन, बट समटाइम्स इट कुड बी धीरे धीरे वो ओवरीज हर पीरियड के साथ में वो बढ़ रही है गलती से, तो वो भी यू नो याद रख सकते हैं, बट इट्स रेयर and of course you will know if it's a bad pain. तो ये हमारी right side की। उसके बाद हम left side में, एक तो बीच में आती है kidneys, वो दोनों तरफ हैं क्योंकि kidney की problem दोनों तरफ, वो हम separate एक दिन करेंगे urinary tract infection। उसके नीचे में जो organ होता है ना वो बड़ा important है, वो उसको बोलते हैं sigmoid colon या colon, और colon के ऊपर में होती है small intestine जो सारे पेट में होती है। तो कोलन भी सारे में होता है लेकिन उसकी लेंथ बड़ी कम होती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टिन तो राउंड अप करके कहीं भी जा सकती हैं, डायरिया कर सकती हैं, क्रॉनिक पेन कर सकती हैं। तो लेकिन जो लेफ्ट साइड में पेन होगी ना कभी कभी, उसको कोलाइटिस बोलते हैं, उसके अंदर डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, सब लोगों में डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, स्पेशली आफ्टर एज 45 विद एजिंग, उसके लिए कोलोनोस्कोपी तो मैंने बार बार बोलती हूँ। तो अगर बार बार पेन होगी तो कोलोनोस्कोपी आप यंगर एज में भी कर सकते हैं, नॉट 45, बिकॉज दैट मींस यू हैव ए अनदर डिफरेंट कोलाइटिस प्रॉब्लम। तो उसके लिए आपको कोलोनोस्कोपी के बिना पता नहीं लगेगा, डाइवर्टिकुलाइटिस भी कोलोनोस्कोपी के बिना पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका डायरिया जो है उसके अंदर म्यूकस आ रहा है, थोड़ा सा ब्लड आ रहा है, तो उसका मतलब आपको उसका वक्त ध्यान देना है। और उसके नीचे में हेमरॉइड होते हैं जो कि बिल्कुल पेरिनियम में होते हैं, एनल एरिया में, वो भी पेन करते हैं, स्पेशली इफ यू आर कॉन्स्टिपेटेड, कॉन्स्टिपेशन की पेन तो आई एम श्योर समबडी
है, कॉन्स्टिपेशन की पेन होती है, चारों सारे पेट में घूमती है, एक जगह पे नहीं टिकती है, तो सारे पेट में घूमती है इंस्टेड ऑफ एक एरिया दूसरा एरिया, तो जो पूरे पेट में कॉन्स्टिपेशन की पेन घूमती है ना, वो आपको पता ही लग जाता है कि कितनी यू नो प्रॉब्लम करती है, तो वो भी हमको अवॉइड करनी है कॉन्स्टिपेशन की पेन। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ में आप गैस नहीं पास कर रहे, एटलीस्ट मोर देन 12 hours और 24 hours, इससे थिंग टू बी कंसर्न, गैस नहीं पास हो रही, कॉन्स्टिपेशन हो गई और पेट एकदम से इट्स अ सडन स्वेलिंग ऑफ बेली, तो वो उसका मतलब होता है कि ब्लॉकेज हो सकता है, तो वो भी कई अनकॉमन चीजें हैं, लेकिन अनकॉमन से ही कॉमन चीजें अनकॉमन समटाइम्स दे आर वेरी रिलेटेड, तो उसका आपने उसी वक्त ध्यान देना है कि मैं क्या हो गया, मैं चल फिर रही हूँ, हॉट वाटर बॉटल भी लगाई है, मैंने जिंजर एल भी पी लिया है, क्यों नहीं ठीक हो रहा, एंड इफ इट्स लास्टिंग मोर देन 6-8 hours आपको उसका ख्याल रखना है। द ओनली थिंग वी डोंट वरी अबाउट, जब खाना कुछ ऐसा खाया हुआ है उसको 24-48 hours लग सकते हैं पूरी पेन ठीक होते हुए, तो उसके लिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और गैस की आपको पता ही लग जाता है कि मैं हर जब खाना खाती हूँ मेरे को गैस होती है, तो मुझे एंडोस्कोपी करा के कुछ करना है। गॉल ब्लैडर की भी पेन आएगी जाएगी, आप उसको यू नो फर्दर चेकअप करा सकती है, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बनाइए, कोई एक्यूट जाने की जरूरत नहीं है, अनलेस इट्स अ सीरियस एक्यूट पेन तब हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है, लेकिन अगर रोज थोड़ी हो रही है, कल भी थी, आज भी थी, कल नहीं थी, तो और एक जो इंटरेस्टिंग बता दूं, समटाइम्स द यंग वीमेन डोंट नो दे आर प्रेग्नेंट, नहीं पता लगता ना, आजकल तो वैसे सब लोग टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले किसी को पता नहीं लगता था, प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी कुड बी ए कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन, तो उसको भी आप याद कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है मैंने सारे कवर कर दिए, अगर आपने अभी एक क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकती हैं ज्योति। जग जी, मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ तो उनकी गैस की बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको सबको गैस हाँ। बहुत ज्यादा उनके निकलती है, उसका क्या ज्यादा, व्हाट इज द मेन कॉज? मेन कॉज यही है, स्टमक के अंदर बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया है, तो ये जो हमने अपने स्टमक की बात करी इज कॉल्ड एच पायलोरी स्टमक में, तो एच पायलोरी की तो फिर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, 3 antibiotic देते हैं, तो उसके अंदर से उस पेट में गैस बनती है, और अगर तो सब कुछ नई प्रॉब्लम है तो जो बैक्टीरिया आपके चेंज हो चुके हैं इंटेस्टिन में, तो वी नीड बैक्टीरिया, कई लोग ही बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं ना, तो वो फिर गुड बैक्टीरिया भी उसके साथ खत्म हो जाते हैं, या क्रॉनिक एंटीबायोटिक यूज, क्रॉनिक प्रेडनिसोन यूज, उसके अंदर से ना फिर जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे, तो फिर तो जो जो बैक्टीरिया हम नहीं चाहते हैं वो अपना गैस प्रोड्यूस करते हैं, लॉट ऑफ गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन द इंटेस्टिन, तो उनको करने के लिए घरेलू है कि प्रोबायोटिक ले सकते हैं, प्रोबायोटिक जैसे योगर्ट टाइप के होते हैं ना, वो ले सकते हैं आप, क्रॉनिक ले सकते हैं, पहले मैं विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने देखा कि दे डू हेल्प द गैस वाले लोगों को। उसके बाद में कोई दवाई मिलती है, मेरे पेशेंट बोलते बीनो, पता नहीं आपने कभी सुना है कि नहीं, मैंने नहीं सुना था, अब मैंने देखा मिलती है काउंटर पे, और एक होती है साइमेथिकॉन, क्योंकि जो गैस निकलती है तो अगर सब लोगों के सामने निकले तो अच्छा नहीं लगता ना, तो उसके लिए फिर यू नो आप पहले कहीं भी जाएं तो आप ये लेके जा सकते हैं। तो और अगर आपको गैस प्रॉब्लम, आई एम जस्ट सेइंग, किसी को ज्यादा टाइम तक चल रही है, 6 महीने 1 साल, तो फिर दिखाना चाहिए राइट डॉक्टर? हाँ हाँ, और डेफिनेटली एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी, बिकॉज़ इट इज कमिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन। हम जो कह रहे थे कि इसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो अब फूड पॉइजनिंग होगी तो आप क्या खाएंगी ज्योति जी? फूड पॉइजनिंग, अब हमने बोला पानी पियो, गेटरेड है, हमको पता नहीं है ना कि जैसे ना मेरे को ना गुआकामोले से कभी कभी अपसेट समक हो जाता है, इट लास्ट फॉर 2-3 days, आई नो दैट, सो आई डोंट ईट वाटरमेलन। एनी टाइम आई ईट वाटरमेलन आफ्टर 1 day सिटिंग इन द फ्रिज, विच इज वेरी कॉमन, हम जब लेके आते हैं तो हम थोड़ा सा थोड़ी लाते हैं, तो आई न्यू दैट, सो मैं एक दिन उसी वक्त खाती हूँ, उसके बाद में नहीं खाती, मुझे लगता है कि वो आई नो इंडिया में बोलते थे कि स्टमक में आपके इरिटेट करेगा, तो मैंने कैंटलो पर ये सब चीजें फ्रेश खाती हूँ सिर्फ,
तो ये अपनी बॉडी का खुद को पता लग जाता है, पता लग जाता है क्या करना है. या यू आर योर ओन डॉक्टर समटाइम्स. एग्जैक्टली फॉर द यू नो कॉमन पेन्स. एक जो लोग होते हैं कि जब हो जाए 24 आवर्स में ना ठीक हो रहा हो तो फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग कहते हैं खिचड़ी बनाओ खिचड़ी खाओ, रिमेम्बर सॉफ्ट डाइट. बिल्कुल. तो इस डाइट को जो अमेरिका में हम उसको बोलते हैं ब्रैट डाइट, BRAT. तो 2-3 दिन के लिए आपको एप्पल अवॉइड करना है, आपको बनाना खाना है. बनाना में जो होता है एक तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सोडियम और पोटेशियम लूज होते हैं डायरिया से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. गेटरेड कोशिश करिए कि घर में हमेशा गेटरेड रहे, क्योंकि रात को कई स्टोर जैसे 7-Eleven 24 आवर्स ओपन है. सो दिस डेज इज नो प्रॉब्लम, एक तो आप फटाफट अमेजोन से भी मंगा सकते हैं. लेकिन अगर एक आध बॉटल घर में हो जिंजर एल की, और ये घर में रखिए, डेट एक्सपायर हो गई तो सिंक में फेंकिए, सिंक क्लीन हो जाएगा. तो गेटरेड रखिए. तो एक तो बी से हो गया बनाना, आर से हो गया राइस, बॉइल्ड राइस विद नो बटर और घी, है ना. और तीसरा है, तीसरा क्या था, ए से क्या था, एप्पल सॉस. एप्पल सॉस नॉट एप्पल, एप्पल पील इज नॉट गुड फॉर डायरिया. एप्पल सॉस. और जो हमारा चौथा है टोस्ट, अब मैं उसके साथ में टी भी ऐड करती हूँ, टी विदाउट मिल्क, इट्स कॉल्ड ब्रैक डाइट. ये मैं सबसे पहले पेशेंट को देती हूँ आफ्टर 24 आवर्स. तो वीक टी इज वेरी गुड, डोंट पुट एनी मिल्क इन दैट. योगर्ट इज ओके बिकॉज दैट्स प्रोबायोटिक, बट मिल्क इटसेल्फ इज नॉट गुड फॉर द डायरिया और वॉमिटिंग. और वॉमिटिंग के लिए आप क्या करेंगे, घर के हमने अभी इलाज तो बता दिए, पेपरमिंट टी इज वेरी सूदिंग, नॉट जिंजर, लिकोरिश सूदिंग. तो पेपरमिंट टी इज सपोज टू बी वेरी गुड फॉर नॉजिया, नॉजिया हिकअप्स, यू नो दे आर वेरी बादरसम. अगर आपको हिकअप शुरू हो जाए ना खत्म होए, तो ज्योति जी आप बताइए एक इंटरेस्टिंग क्या इलाज है हिकअप्स का. वैसे तो मेरे को सच बताऊं हिकअप्स नहीं आते, पर मेरे हस्बैंड को आते. तो क्या करते हैं, पानी दे देती हूं. पानी से ठीक हो जाता है, क्योंकि हिकअप इज फ्रॉम इरिटेशन ऑफ द डायफ्राम, और वो एक नर्व होती है, वो ऊपर से लेके नीचे तक जाती है. तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी कि जो एक इलाज हम बोलते थे किसी को डरा दो चुपके से, पीछे से आके उनको धक्का दे दो, मतलब प्यार से. वो एक तो वो गुस्सा करेंगे, जब गुस्सा करेंगे तो वो नर्व की इरिटेशन ठीक हो जाएगी. तो ट्राई दैट. हम लोग हिकअप्स का एक और किया हो, तुमको कोई याद कर रहा है यही बोलते हैं. ओ तुमको हिकअप्स. हां ये तो हम बोलते हैं, और ये तो आई डोंट नो ये ट्रू है कि नहीं. तो लेकिन किसी को पीछे से आके थोड़ा कर दो और बस दैट. यस जोर से बू. तो कई बार ठीक हो जाती है, आप देखोगे ठीक हो जाएगी, बिकॉज यू आर जस्ट शॉकिंग द बॉडी. जो नर्व, जो फ्रेनिक नर्व होती है ना, उसको या तो वेजोवेगल से ठीक हो जाती है, वेगस स्टिमुलेशन हो जाती है डरने से, दैट्स प्रोबेबली. लेकिन जो मिर्ची खाने से भी हो जाता है हिकअप्स. किससे, मेथी से? मिर्ची मिर्ची मिर्ची. ओके ओके. मैंने देखा है बहुत लोगों को मिर्ची खाते हैं हिकअप्स शुरू हो जाते हैं, फिर देन आई टेल देम डोंट ईट यू नो. अच्छा, मेडिकल इलाज जो कर सकते हैं, अगर ऑन द काउंटर आपको डॉक्टर नहीं मिल रहा, तो यू जो ड्रामामीन होती है, बेनाड्रिल यू कैन ट्राई, इट्स गुड फॉर द एलर्जिक एब्डोमिनल प्रॉब्लम. कॉम्पोजीन होती है, एक होती है रेगलान, जिसके अंदर स्टमक सेटल हो जाता है, स्पेशली फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, यू नो. तो एक इससे मुझे याद है कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एक प्रॉब्लम होती है, जो कि सिवियर डायबिटिक पीपल अगर डिहाइड्रेटेड हो जाए तो, और आपने इंसुलिन ले ली तो शुगर बहुत ज्यादा हो सकती है, तो उसके लिए आपको जरूर थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा. तो ये थी हमारी कॉमन एब्डोमिनल पेन. विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक विद ए स्पेशल गेस्ट टॉकिंग अबाउट इफ यू हैव अ क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन, इट मे नीड सम सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो वो आप करेंगे. यार एक बारी मैंने बोला कि मैं एक एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी के डॉक्टर को बुलाऊंगी, कि लोग इतना डरते हैं, तो शायद उनके बात करने से थोड़ा डर कम हो जाए. क्या क्या इरादा ज्योति जी? जग जी, मैं तो प्रिवेंशन में बिलीव करती हूँ. डरो और अपने आप को प्रिवेंट करो एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अवर हेल्थ इज अवर वेल्थ, ये मैं हमेशा बोलती हूँ. डू योर बेस्ट व्हाट वी डिस्कस ऑलवेज, और बाकी जो होना होता है होगा, बस टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. यस एब्सोल्युटली, डू योर बेस्ट एंड स्टे हैप्पी. अगर आपको प्रॉब्लम भी है तो डोंट गेट डिप्रेस और जस्ट एवरीथिंग. सबका इलाज है,
और आपको जो प्रॉब्लम है सेम प्रॉब्लम किसी और को भी हो सकती है, बट सबकी बॉडी डिफरेंट है. मे बी समबडी कैन रिकवर फास्ट. Yes, can absolutely. take time. So absolutely. I mean, there are so much. This field is very big field, you know. Yes. तो हम ये छोटी छोटी बातें करके हम सबको तैयार करते हैं कि आप घबराओ मत and do your best. तो ज्योति जी फटाफट गाना हो जाए, म्यूजिकल थेरेपी चाहिए हमें. जग जी आप अपना नंबर भी बता दीजिए कि आप किसी को हेल्प चाहिए तो यू कैन यू नो गाइड देम. एब्सोल्युटली देयर आर टू नंबर्स आई ऑलवेज गिव पीपल स्पेशली माय कम्युनिटी इंडियन कम्युनिटी. आई गिव माय सेल नंबर इफ यू नीड यू कैन टेक्स्ट मी फर्स्ट टू नो हु यू आर देन आई कैन कॉल यू बैक बिकॉज़ समटाइम्स आई डोंट नो कि आप कौन है कैसे हैं. तो हमारा नंबर है 516-589-4583 और मेरा ऑफिस का नंबर है अगर आपको ब्लड टेस्ट करवाना है या कोई और हेल्प चाहिए 516-358-7700. आपकी सेवा में तत्पर और हाजिर. ज्योति जी जैसे आप हाजिर रहती हैं हम भी हाजिर हैं. बहुत तो अच्छा चलिए जी. क्या है कि समटाइम्स यू डोंट वांट टू राइट ऑनलाइन योर प्रॉब्लम और एनी रीजन, यू कैन सेंड डॉक्टर जग कालरा जी पर्सनल मैसेज और यू कैन टेक्स्ट हर. शी विल ऑलवेज हेल्प. एंड एज यू नो अगर किसी को प्रॉब्लम भी है शी नेवर डिस्कस इवन विद मी और एनीवन. इट्स यू नो सीक्रेट सो ऑलवेज टेक हर हेल्प. ऑलवेज कॉन्फिडेंशियल. बहुत नॉलेज है, इतने सालों से कर रही है, हर चीज का नॉलेज है. सो डॉक्टर जग कालरा जी थैंक यू. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Jyoti ji, for joining and giving us so good tips. You know. Thank you. Always. Gana, 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 gana. Aye, कहाँ जा रही हैं? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही. Okay, मैं दो लाइनें गाती हूँ, ठीक है? अभी हमको जाना है वो Eisenhower Park में. Yes, yes. से पहले बहुत अच्छा Indian American night है, so we are going to perform Qawwali and Punjabi dance. Dr. Jagji भी कर रही हैं. आपने देखना है तो आप आइए जरूर. चलो मैं तुम आपको सुनाती हूँ चार लाइनें. मेरे को गाना बहुत अच्छा लगता है. तेरे लिए हम हैं जी होठों को सिए, तेरे लिए हम हैं जी हर आंसू पिए, दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए, तेरे लिए तेरे लिए. वाह वाह वीर ज़ारा. आप भी सुना दीजिए सब. पहले तो मैं बताऊं ये गाना वीर ज़ारा मूवी का है. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मूवी. शाहरुख एंड प्रीति जिंटा क्या बढ़िया एक्टिंग है. इट्स एन ओवर एक्टिंग स्पेशली व्हेन ही वाज इन द जेल. मैंने कितनी बारी ये मूवी देखी और उसके अंदर हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन का जो कितना प्यारा है. मेरा देश भी वही है तुम्हारा हाँ, देश भी वही है. एक वैसाखी का भी गाना है, लोहड़ी का गाना भी है. ये लोहड़ी का भी गाना है तो मेरे को I बहुत want to see again. मैंने एक बार देखी है बट यू नो चलिए इकट्ठे बैठ के देखेंगे. तो हमारा गाना तो सबके लिए है. ज्योति जी आपके लिए दो ही लाइन है. जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी, दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे, मेरी जान चली जाए. ओके तो Zoom के फ्रेंड्स आप देखिए हम आपके लिए अब नया नया क्या लेके आते हैं. ज्योति जी थैंक यू. वंडरफुल प्रोग्राम ऑन संडे. आप बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. एंड सॉरी गाइस कि हम आपको संडे पे ही आ गए बट टुमारो वी आर नॉट डूइंग दिस बिकॉज वी डिड टुडे. एंड देन आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को 12:30 बजे My health is my wealth program में. Thank you जग कालरा जी. सबको नमस्कार for watching. Thank you. YouTube में कभी भी देख सकते हैं. हम खुद भी दोबारा देखेंगे कि कुछ ऐड करें नया इसके अंदर अगर कर सकते हैं तो. ठीक है ज्योति जी वेरी नाइस. थैंक यू. ओके जी.